नमस्कार, आइए आज हम आपको ब्रेड का गुलाब जामुन बनाना बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने के लिए हम पहले सीरा बनाएंगे। भगोना हम इस पे रख देते हैं। ये 1.5 कप चीनी है और इतना ही पानी हम डालेंगे, 1.5 कप पानी डालेंगे हम इसमें। अब आइए इसको हम चला देते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। जब तक सीरा बन रहा है तब तक आइए हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। ये 10-12 ब्रेड हमने लिया है, इसका किनारा हम काट लेंगे। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। सब ब्रेड को हम इस तरह से काट लेते हैं। देखिए, ये सब हम इस तरह से निकाल दिए हैं। इसको किनारे हम इसलिए किनारा निकाला जाता है क्योंकि गुलाब जामुन जो है सॉफ्ट हो, किनारा रहेगा तो कड़ा हो जाएगा। तो आइए इसको हम सबसे पहले एक मिक्सर जार लेते हैं। आइए इसको हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं, इसका हम क्रम्स बना लेते हैं। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब आइए इसमें हम दूध डालेंगे। ये दूध फुल क्रीम है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और इसको आटे की तरह मुलायम गूंथ लीजिए। जितना दूध की आवश्यकता हो, जितने की, उतना ही आप इसमें डालिए। अब आइए इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। अब आइए हम इसको छानते हैं। इसकी फ्लेम अभी धीमी रहेगी, ये घी गर्म हो चुका है। इसको हम धीमे धीमे गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे तेल डालती रहिए ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। इसको ज़रा आप सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो छींटा आपके ऊपर भी पड़ सकता है। देखिए, इसका कलर कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया। आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब आप इसको गरम सीरे में डाल दीजिए इस तरह से, और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आइए देखिए, ये फूल के दुगना हो गया है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब आइए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। इसको बहुत ही सावधानी से आप निकालिएगा, नहीं तो टूट जाएगा ये। देखिए, ये गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में, या सुझाव कुछ हो तो आप ज़रूर डालिएगा।